Hello dear students, welcome to you all in Pavanwag Academy. Now today we are starting with the same topic inheritance and variance. इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि लिंकेजेस क्या होते हैं. लिंकेजेस के हमने टाइप्स देखे थे और वहाँ पे हमने देखा था कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज. अब देखिए अगेन वहाँ पे हमने क्या देखा था. लिंकेज मीन्स क्या था कि दो जीन्स थे और दो जीन्स वो इतने पास थे एक दूसरे के कि उन्हें हम क्या बोलेंगे, लिंक्ड जीन्स. अब लिंकेज का मतलब क्या होता है कि जितने पास दो जीन्स होते हैं उतना वो लिंक्ड है और उन जीन्स को हम क्या बोलेंगे या फिर उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, लिंकेज या फिर लिंक्ड ग्रुप्स. अब अगेन वो जो लिंक्ड जीन्स होते हैं वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं. एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, बट वो जाते वक्त अगर वो जितना पास है उनका डिस्टेंस, वो डिस्टेंस के ऊपर वो डिपेंड होता है कि वो साथ में ही नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे या फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे. अब देखिए नेक्स्ट जनरेशन में जब उन्हें जाना है तो वो कैसे होने चाहिए. अगर वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड ना हो तो भी वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे और होंगे तो भी जाएंगे, बट मेन हमें फोकस किसके ऊपर करना है. जैसे दो जीन्स है, जितने वो पास है इतना क्या होगा, फिर वो दोनों साथ में ही नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे. बट अगर वो जो जीन्स है वो अगर एक दूसरे से दूर हो तो वो सिंगल सिंगल होके नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे. अब देखिए यहाँ पे वो तो हमने देखा लिंकेज का या लिंकेज ग्रुप का, और वहाँ पे भी हमने अगेन क्या देखा था. अब यहाँ पे हमें टू टाइम्स कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज देखना है. अब देखिए तब हमने देखा था कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज. उसमें हमने क्या देखा था कि जो जीन्स है वो एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे. अब हमें क्या देखना है, सेक्स लिंकेज देखना है. सेक्स लिंकेज का मतलब क्या है, अगेन यहाँ पे हमने क्या देखा कि जीन्स है वो कैरी होने वाली है, पहले हमने देखा था. अब यहाँ पे जीन्स के साथ साथ यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमने सेक्स लिंकेज में अगेन क्या देखा था, ह्यूमंस में दो तरह के क्रोमोसोम्स है जिन्हें हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम. वो एक होता है एक्स क्रोमोसोम, दूसरा होता है वाई क्रोमोसोम. अब यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो भी जीन्स है या फिर वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो भी जीन्स है उनमें अगर लिंकेज ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे सेक्स लिंकेज. अब यहाँ पे इस सेक्स लिंकेज के अंडर भी अगेन क्या आएंगे, दो टाइप्स आएंगे, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज. अब देखिए अगेन यहाँ पे इसका पहला टाइप है कंप्लीट सेक्स लिंकेज. अब कंप्लीट सेक्स लिंकेज में क्या होगा, यहाँ पे क्या एग्जिबिट करेगा, ये जो जीन्स है ओके. अब देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए, जो जीन्स है वो अगर लोकेटेड है नॉन होमोलोगस रीजन्स पे. देखिए हमने देखा था कौन सी होमोलोगस रीजन्स है एक्स और वाई क्रोमोसोम की और कौन सी नॉन होमोलोगस रीजन है. अगेन एक बार मैं दिखाती हूँ यहाँ पे कौन सी थी होमोलोगस रीजन और कौन सी थी नॉन होमोलोगस रीजन. अब देखिए यहाँ पे ये है एक्स क्रोमोसोम और ये था हमारा वाई क्रोमोसोम ओके. तो यहाँ पे ये जो दोनों रीजन्स थी, ये दोनों रीजन्स कैसी थी, इतनी रीजन ओके. देखिए हम अगेन इस डायग्राम को निकालते हैं, ये वाला है एक्स क्रोमोसोम और ये वाला है वाई क्रोमोसोम. यहाँ पे ये वाली जो रीजन थी इसे हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस रीजन, होमोलोगस रीजन. अब इसे होमोलोगस क्यों कहेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जैसे जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है वही जीन्स यहाँ पे वाई क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, होमोलोगस रीजन. होमोलोगस रीजन बट वो कौन सी, दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर, दोनों एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर.
या फिर हम जिन्हें बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर। अब देखिए वाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमने कैसा देखा था, थोड़ा सा बेंड है वो। अब उस बेंड होने के कारण यहाँ की जो रीजन है वाई क्रोमोसोम पे, इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन होमोलोगस होमोलोगस रीजन। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये ऊपर जाएगा, मतलब इसकी आएगी, ये वाली आएगी इसकी नॉन होमोलोगस रीजन, और इसकी वाई क्रोमोसोम की जो पार्ट बेंड हुआ है वो आएगी नॉन होमोलोगस रीजन। आ गई ये बात आपको समझ में? अगेन हम इससे देखिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे है एक्स क्रोमोसोम और यहाँ पे है वाई क्रोमोसोम। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला स्ट्रेट पार्ट है, इसे हम बोलेंगे होमोलोगस रीजन, और ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट, इसे हम क्या बोलेंगे, ये दोनों भी पार्ट जो है, ये वाला भी और ये वाला भी क्या है, नॉन होमोलोगस रीजन। और वैसे ही यहाँ पे ये भी है नॉन होमोलोगस रीजन। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, कंप्लीट लिंकेज में क्या होने वाला है, जो होमोलोगस रीजन के ऊपर जो जीन्स है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगेन क्रॉसिंग ओवर नहीं होने वाला है। अब देखिए अगेन आते हैं हमारे पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे जो कंप्लीट लिंकेज है उसमें क्या होने वाला है, जो जीन्स है अगर वो लोकेटेड है नॉन होमोलोगस रीजन्स पे, किसके नॉन होमोलोगस रीजन्स पे, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के, तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट सेक्स लिंकेज होगा। अब देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे, अब ये वाले जो कैरेक्टर्स है ये इनहेरिट कैसे होंगे, दे विल इनहेरिट टुगेदर, वो कैसे जाएंगे, अगेन एक दूसरे के साथ ही होंगे। देखिए यहाँ पे नॉन होमोलोगस रीजन्स पे है, फिर भी क्या होने वाला है, दोनों भी साथ में जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगा। अब देखिए क्यों नहीं होगा, दोनों में फर्क है, हमने लिंकेज और लिंकेज ग्रुप के बाद अगेन कंप्लीट और इनकम्प्लीट क्या देखा था, लिंकेज देखा था। अब वो वाले कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज में और इसके कंप्लीट सेक्स लिंकेज और इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या देखा हमने, जो जीन्स है वो है तो नॉन होमोलोगस रीजन्स के ऊपर, फिर भी वो इनहेरिट साथ में होने वाली है, क्योंकि वहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होने वाला है। ओके, और हमने इसके पहले देखा था कि क्रॉसिंग ओवर क्यों नहीं, अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का रीजन बदलेगा, अब यहाँ पे दो अलग अलग रीजन्स में है इसलिए क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे है इसलिए क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। और वहां पे हमने क्या देखा था, वहां पे डिस्टेंस पे हमने डिपेंड किया था कि डिस्टेंस अगर फार अवे है, इफ दैट जीन्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तब और इसलिए उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता था। ओके, वो डिस्टेंस के ऊपर मैटर करता था, और यहाँ पे ये होमोलोगस रीजन और नॉन होमोलोगस रीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखिए यहाँ पे अगेन इसके एग्जाम्पल्स आपको अलग अलग नजर आएंगे, सबसे पहले है हीमोफीलिया, और अगेन ये वाला है एक्स लिंक का, और वाई लिंक का अगर हम देखेंगे तो वह है हाइपर ट्राइकोसिस, कौन सा है, हाइपर ट्राइकोसिस। अब आगे बढ़ते हैं, अगेन देखिए एक दूसरा टाइप है, कंप्लीट वाले में देखा हमने, कंप्लीट वाले में क्या था,
नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर दो जीन्स थे जो कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जा रहे थे, इनहेरिट हो रहे थे। बट क्यों? क्योंकि वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे थे, इसलिए उनमें क्या नहीं होने वाला था, क्रॉसिंग ओवर नहीं होने वाला था। अब यहाँ पे देखिए, इनकम्प्लीट सेक्स क्रोमोसोम में क्या होगा, यहाँ पे जो जीन्स है उनका लोकेशन कहाँ पे है, होमोलोगस रीजन के ऊपर है एक्स और वाई क्रोमोसोम के, और उस वजह से यहाँ पे क्या होगा, अगेन दे डू नॉट इनहेरिट टुगेदर बिकॉज क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स इन दिस रीजन। देखिए अब यहाँ पे भी वो इनहेरिट नहीं होने वाले हैं, और यहाँ पे क्या होगा, दे इनहेरिट टुगेदर, वो साथ में इनहेरिट होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, और यहाँ पे वो इनहेरिट एक साथ नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर आएगा। देखिए क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होगा, अगर वो होमोलोगस रीजन पे है तो यहाँ वाला क्रॉसिंग ओवर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ये होमोलोगस रीजन पे है तो अगेन क्या होगा, इनके डिस्टेंस के ऊपर वो मैटर नहीं करेगा, बट ऑन विच रीजन दैट जीन्स आर लोकेटेड उसके ऊपर मैटर करेगा, और उस वजह से क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, और उस वजह से वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होंगे। ओके और वैसे ही कंप्लीट लिंकेज में आपने क्या देखा कि वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट साथ में जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जो है वो नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो जीन्स है वो नॉन होमोलोगस रीजन्स के ऊपर है एक्स और वाई क्रोमोसोम के। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे अगेन क्या बोला है, इसके जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स क्या है, एक्स वाई लिंक्ड अगर ट्रेड्स हम देखेंगे तो इसका एक एग्जाम्पल है जो है टोटल कलर ब्लाइंडनेस और ज़ीरोडग्मा पिगमेंटिज्म, ये वाले दो एग्जाम्पल्स है जो है एक्स वाई लिंकेज के एग्जाम्पल्स। अब देखिए अगेन यहाँ पे कंप्लीट सेक्स लिंकेज है और इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज है। अब कंप्लीट सेक्स लिंकेज में आपको एग्जांपल्स क्या मिलेंगे, जो कि कंप्लीट सेक्स लिंकेज में आपको कैसे जीन्स मिलेंगे, जो कि एक्स क्रोमोसोम पे है और वाई क्रोमोसोम पे है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल हमें दिखेंगे, हीमोफीलिया या फिर हम जिसे अगेन क्या बोलेंगे, कलर ब्लाइंडनेस, और यहाँ पे वायलेंट में हमें मिलेंगे हाइपर ट्राइकोसिस, और इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज में हमें एग्जाम्पल पढ़ना है टोटल कलर ब्लाइंडनेस का। अब सबसे पहले हम एक्स लिंक्ड वाला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एक्स लिंक्ड वाला एग्जाम्पल जो है वो है कलर ब्लाइंडनेस का। अब वो देखेंगे पहले, देखिए यहाँ पे दो कंडीशंस है, क्या कंडीशंस है, अब यहाँ पे जो क्रॉस लिया गया है, जो पेरेंट्स है, पहले यहाँ पे कलर ब्लाइंड मेल है और नॉर्मल फीमेल है। यहाँ पे कैसे है, मेल इज कलर ब्लाइंड एंड फीमेल इज नॉर्मल। और दूसरी कंडीशन में देखिए, ये वाली है फर्स्ट वाली कंडीशन, और दूसरी वाली कंडीशन में यहां पे क्या लिया है, कैरियर डॉटर है, मतलब कैरियर फीमेल है, उसके साथ नॉर्मल मेल है। अब आपको यहां पे क्या देखना है, किसके ऊपर फोकस करना है, कि ये वाली जो कलर ब्लाइंड वाली जीन है वो कैसे इनहेरिट होगी, कितने परसेंट वो इनहेरिट होगी नेक्स्ट जनरेशन में, ये परसेंटेज के हिसाब से हमें देखना है कितने परसेंट वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होने वाली है। अब देखिए यहाँ पे, अगर जो फादर है या मेल है वो कलर ब्लाइंड है, उनके पास क्या है, कौन सी जीन है, कलर ब्लाइंड की जीन है, कलर ब्लाइंडनेस की। बट अभी आपने देखा जो कलर ब्लाइंडनेस का एग्जाम्पल था या फिर वो जीन थी, वो किसके ऊपर थी, वो थी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, क्योंकि वो किसके अंडर आती है, एक्स लिंक्ड के अंडर आती है, इसलिए हमने क्या देखा यहाँ पे, कलर ब्लाइंडनेस की जो जीन है वो आती है एक्स लिंक्ड के अंदर। देखिए यहाँ पे कंप्लीट सेक्स लिंकेज के अंदर आपने क्या देखा, एक्स भी देखा और वाई भी देखा, इसलिए यहाँ पे कंप्लीट सेक्स लिंकेज के अंडर आएगा एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड। अब एक्स के ऊपर, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ऐसे जीन्स है जिनके वजह से कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। अब देखिए यहां पे कलर ब्लाइंड मेल है, अगेन आपका यहां पे कंफ्यूजन होगा कि जीन तो प्रेजेंट है एक्स के ऊपर,
बट हम मेल को कलर ब्लाइंड क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसके पास तो वाई क्रोमोसोम है, क्योंकि कुछ बच्चों का ऐसे भी कन्फ्यूजन होता है। बट यहाँ पे क्या देखना है हमें, वो एग्जाम्पल किसका है, वो एग्जाम्पल है एक्स लिंक्ड का, है वो कंप्लीट सेक्स लिंक का एग्जाम्पल। और कंप्लीट सेक्स लिंक में हमने क्या देखा, एक्स लिंक और वाई लिंक देखा, तो उसमें से ये वाई लिंक का एग्जाम्पल है। इसलिए वाई लिंक्ड मतलब क्या, जो भी जीन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस, दैट जीन इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोजोम। और हमें पता है एक्स क्रोमोजोम जो है वो कहाँ पे होता है, जिसे हम बोलते हैं फीमेल क्रोमोजोम, हम बोल सकते हैं उसे। अब देखिए यहाँ पे, और वो कैसा है, सिंगल डोज में है। कैसा है, सिंगल डोज में है। अगर ये डबल डोज में होता, ओके, देखिए यहाँ पे ये डबल डोज में है, डोमिनेंट और रिसेसिव में, इसलिए इसे कैरियर डॉटर बोला है। बट यहाँ पे ये कैसा है, सिंगल डोज में है, और इस वजह से ये क्या करेगा, इट विल हार्म, इट विल कॉज अ डिजीज, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। अब वाई क्रोमोजोम पे तो उसके जीन्स है नहीं, उसके जीन्स कहाँ पे है, एक्स क्रोमोजोम के ऊपर। अब देखिए अगेन गैमेट्स फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। गैमेट्स फॉर्मेशन कैसे होगा, यहाँ पे जीनोटाइप हमें क्या मिला, एक्स एंड वाई, इसको ही हम अगेन क्या बोलेंगे, गैमेट्स। अब यहाँ पे अगेन हमको क्या मिला, एक मिला एक्स जो है जिसके ऊपर है कलर ब्लाइंडनेस वाले जीन्स, और दूसरा मिला वाई जिसके ऊपर जो कैसा है, हेल्दी है, इसके ऊपर कोई डिजीज वाले जीन्स है नहीं। अब यहाँ पे आगे जाके जो नॉर्मल फीमेल है उससे हमें क्या मिला है, दोनों भी कैसे है, नॉर्मल है, उसके पास वो कैसी है, कलर ब्लाइंड नहीं है, ओके। देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो कैपिटल सी है ना, देखो ये है कैपिटल सी और ये है स्मॉल सी। अब कैपिटल सी कैसा है, नॉर्मल है, और स्मॉल सी कैसा है, डिजीज्ड है। स्मॉल सी कैसा आएगा, डिजीज्ड है, और कैपिटल सी नॉर्मल है। अब देखिए यहाँ पे जो कैपिटल सी है, हम इसे अगेन दूसरा कलर ही यूज करते हैं ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये है छोटा वाला सी और ये वाला है कैपिटल वाला सी, ओके। तो देखिए अब ये वाला है नॉर्मल सी, मतलब जो कि कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे स्मॉल सी है वो कैसा है, डिजीज्ड जीन वाला सी है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वाई पे तो कोई जीन वहाँ पे कैरी नहीं होगा, किसका, हीमोफीलिया का, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो है एक्स लिंक्ड डिजीज। अब यहाँ पे अगेन क्रॉस होने के बाद F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, F1 जनरेशन में देखिए अब यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स, यहाँ पे देखिए एक जीन है एक्स सी और एक जीन है यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे और यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे स्मॉल सी है, ओके। देखिए अब यहाँ पे हमें कैसा मिला, एक्स के साथ डबल डोज में एक था कैपिटल सी, मतलब एक है नॉर्मल वाला, और दूसरा एक्स मिला कैसा वाला, जो कि है डिजीज्ड वाला। कैसा है दूसरा वाला, डिजीज्ड वाला है। अब देखिए यहां पे अगेन दो मिले हमें, क्या मिले, दो फीमेल्स मिले। अब दो फीमेल्स है वो कैसी है, दोनों भी कैरियर्स है, क्यों, क्योंकि देखिए अगेन क्या हुआ यहां पे, ये वाला जो डिजीज एक एक्स था, और वहां पे फीमेल के पास हमें क्या दिखेंगे, दो एक्स है फीमेल के पास, और दोनों भी एक्स कैसे है, नॉर्मल है, और यहाँ पे मेल के पास एक ही एक्स है, और वो भी कैसा है, जो डिजीज्ड वाले जीन को कैरी कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फीमेल में हम क्या देखते हैं कि एक्स डबल डोज में है, और हमने यहाँ पे देखा है कलर ब्लाइंडनेस में, अगर वो रिसेसिव फॉर्म वाला हो और वो अगर सिंगल डोज में हो, उसके साथ अगर कैपिटल फॉर्म हो, तो वो एक्सप्रेस नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए वैसे ही हुआ है, यहाँ पे एक्स ही जो है वो सी, हमने क्या देखा, स्मॉल वाला सी, या फिर हम बोलते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर वाला सी, ये किसके लिए जाएगा, डोमिनेंट वाला या नॉर्मल वाला, और उसके साथ आएगा कलर ब्लाइंडनेस वाला, डिजीज्ड वाला।
और यहाँ पे दूसरे में भी वही कंडीशन हुई, इसलिए इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, दोनों भी है तो फीमेल, बट हम बोलेंगे कैरियर डॉटर्स। क्यों? क्योंकि उनके पास डिजीज्ड वाला एक एक्स क्रोमोसोम है, बट वो सिंगल डोज में है, इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं होगा, उसके कैरेक्टर्स को वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला जो डोमिनेंट वाला सी प्रेजेंट है, दूसरा वाला, वो उसे क्या कर देगा, सप्रेस करेगा, उसे वो एक्सप्रेस नहीं होने देगा। इसलिए यहाँ पे हम इन्हें क्या बोलेंगे, कैरियर डॉटर्स, क्योंकि वो उनके पास वो डिजीज वाला जीन है, वो कैरी करते हैं। हो सकता है कि उनके नेक्स्ट जनरेशन में अगेन क्या हो जाए, ये वाले जो कैरियर डॉटर्स है, अगर दे विल गेट मैरिड टू अ नॉर्मल मेल, तो फिर अगेन क्या हो सकता है, आगे आपको अलग रिजल्ट्स दिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेल्स के बारे, फीमेल्स के बारे में तो हमने देखा, अब मेल्स में क्या होगा। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जो फीमेल है, ओके, फीमेल है वो कैसी थी, मेल जो था वो कलर ब्लाइंड था, और फीमेल कैसी थी, नॉर्मल थी। और हमें पता है मेल्स के पास एक्स जो आएगा वो तो डिजीज नहीं होगा, क्योंकि कैसा है, ये वाला जो डिजीज हम स्टडी कर रहे हैं वो कैसा है, एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक तो है नहीं, तो इसलिए वाई पे कुछ भी डिजीज वाले जीन्स प्रेजेंट नहीं है। तो प्रेजेंट कहाँ पे है, एक्स पे। अब देखिए कलर ब्लाइंड मेल में जो एक्स क्रोमोसोम था, इसके ऊपर डिजीज वाला जीन था, बट जो नॉर्मल फीमेल थी उसके पास दो एक्स थे जो थे नॉर्मल वाले एक्स, जिसके ऊपर डिजीज जीन नहीं था। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक्स के साथ ये वाई जो था, ये वाई, ये दोनों एक्स के साथ गया, और दोनों एक्स कैसे थे, नॉर्मल थे। और अगर दोनों एक्स नॉर्मल है तो ये वाली जो सन है, जो भी यहाँ पे जो मेल्स है वो कैसे है, नॉर्मल है, और वो कितने हैं, 50% नॉर्मल मेल और 50% कैरियर डॉटर। बट ये रिजल्ट आपको कब दिखेगा F1 जनरेशन में, जब क्रॉस होगा कलर ब्लाइंड मेल और नॉर्मल फीमेल में, ओके। कलर ब्लाइंड मेल में क्या दिखा आपको, स्पेशल कंडीशन कि यहाँ पे एक वाई क्रोमोसोम होता है, और हम बात कर रहे हैं एक्स लिंक डिजीज की, इसलिए आपको रिजल्ट में 50-50% दिखा। अब नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन में हम देखते हैं, देखिए इस कंडीशन में क्या था, एक ही डिजीज जीन वाला एक्स क्रोमोसोम था। अब यहाँ पे आते हैं सेकंड कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में क्या है, जिस जो यहाँ पे हमें कैरियर डॉटर्स मिली थी 50%, अब इन डॉटर्स को ही क्रॉस करेंगे नॉर्मल मेल के साथ। देखिए यहाँ पे नॉर्मल फीमेल थी, अब सेकंड कंडीशन में नॉर्मल मेल है और कैरियर डॉटर्स है, मतलब वो डिजीज वाली डॉटर नहीं है, उनके पास क्या है, एक डोज में डिजीज वाला जीन है, या फिर एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डिजीज वाले जीन्स प्रेजेंट है, बट वो रिसेसिव कंडीशन में है, और उनके साथ डोमिनेंट कंडीशन वाला नॉर्मल हीमोफीलिया या नॉर्मल जीन भी है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगेन सेम प्रोसेस जैसे कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में किया था, कि हमने जीनोटाइप देखा, उसके बाद हमने गैमेट्स का फॉर्मेशन किया, वैसे गैमेट्स अब निकल के आए हैं। अब आगे क्या होगा इनमें, देखिए यहाँ पे F1 जनरेशन में हमें रिजल्ट क्या मिला है, यहाँ पे इस कैरियर डॉटर के पास क्या है, एक जीन है जो कि है डिजीज्ड वाला, ये छोटा वाला जो है XC, ये वाला कैसा है, डिजीज्ड है, हीमोफीलिया वाला जीन है। अब यहाँ पे कलर ब्लाइंड वाला जीन है, नॉट हीमोफीलिया, सॉरी, यहाँ पे क्या है, कलर ब्लाइंड वाला जीन है, तो ये रिसेसिव फॉर्म वाला जो सी है, एक है और दूसरा है कैपिटल वाला। अब यहाँ पे आपको ये दो क्या दिखेंगे, गैमेट से वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, यहाँ पे भी सेग्रीगेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें कैसे मिला, गैमेट्स के सेग्रीगेशन के बाद हमें एक एक्स मिला, कैसा मिला, डिजीज्ड वाला मिला, और दो एक्स हमें कैसे मिले, नॉर्मल मिले, और एक वाई मिला। और वैसे ही यहाँ पे हमें देखिए क्या मिला था, अगेन एक एक्स मिला था डिजीज्ड वाला, और दो एक्स मिले थे नॉर्मल। कंडीशन गैमेट्स की सेम है यहाँ पे, और यहाँ पे भी सेम है, बट अब आगे जाके जब क्रॉस होगा तब डिफर होने वाला है। अब देखिए क्रॉस होने के बाद यहाँ पे देखिए एक्स सी जो है, इसने क्रॉस किया, इसके साथ भी किया और इसके साथ भी किया। आपको क्या करना है, एक लेना है पहले, एक एक्स सी, इसको क्रॉस दोनों मेल गैमेट्स के साथ करना है,
एक्स सी के साथ भी और वाई के साथ भी। फिर हमें क्या मिला, एक्स सी के साथ करने के बाद हमें मिला एक्स सी, मतलब एक्स कैपिटल सी कैपिटल सी। अब कैपिटल सी किसे डिनोट करता है, कैपिटल सी डिनोट करता है नॉर्मल को, इसलिए दोनों भी कैसे है, नॉर्मल है। तो जो फीमेल है या फिर उससे जो भी ऑफस्प्रिंग आएगा, एक्स एक्स है तो फीमेल ही आएगा, तो फीमेल कैसी है, नॉर्मल है। अब सेकंड कंडीशन में क्या मिला हमें, एक्स सी को हमने क्या किया, एक्स और जो सी था कैसा था, स्मॉलर। अब यहाँ पे स्मॉल सी मतलब क्या है, वो किसे डिनोट करेगा, यहाँ पे डिजीज्ड जीन उसके पास है कलर ब्लाइंडनेस की। अब यहाँ पे देखिए एक्स सी को हमने क्रॉस किया एक बार एक मेल गैमेट के साथ और दूसरे बार दूसरे मेल गैमेट के साथ। अब पहले बार हमने जहाँ पे इसे एक मेल गैमेट के साथ, मतलब देखिए एक फीमेल गैमेट को हमने दो टाइम्स क्रॉस किया है, एक फीमेल गैमेट को हमने दोनों मेल गैमेट्स के साथ क्या किया है, क्रॉस किया है। अब यहाँ पे देखिए एक्स सी उसके साथ अगेन एक्स, यहाँ पे एक एक्स है डिजीज्ड वाला और एक है नॉर्मल, तो ये कैसी आ गई, इसका रिजल्ट हमें पता है डबल डोज में है, तो ये इसे हम बोलेंगे कैरियर फीमेल। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है नेक्स्ट कंडीशन में, डिजीज वाला एक्स क्रोमोसोम और उसके साथ नॉर्मल वाई आएगा, उस वजह से क्या होगा, ये तो डबल डोज में नहीं आएगा क्योंकि वाई के पास तो जीन्स नहीं है उसके लिए, तो वाई तो उसे डोमिनेट नहीं करेगा, इसलिए क्या होगा, एक्स जो है वो रिसेसिव फॉर्म में भी हुआ, एक्स के ऊपर सी जो जीन है वो रिसेसिव फॉर्म में भी हुआ तो भी वो एक्सप्रेस होगा अगर उसके साथ वाई आया तो, क्योंकि हम ये किसके अंडर स्टडी कर रहे हैं, सेक्स लिंक डिजीज के अंदर स्टडी कर रहे हैं हम लोग, और उसमें भी हम कौन सा स्टडी कर रहे हैं, एक्स लिंक्ड वाला। अब यहाँ पे इसलिए आपको क्या दिखेगा रिजल्ट में, जो मेल है वो कैसा है, कलर ब्लाइंड है, और यहाँ पे हमें मेल्स कैसे मिले थे, सारे नॉर्मल मिले थे, यहाँ पे कैरियर डॉटर्स मिले थे, यहाँ पे हमें डिजीज्ड वाले ऑफस्प्रिंग नहीं मिले थे। बट अब इसका रिजल्ट सेकंड कंडीशन का रिजल्ट है, इसमें हमें क्या मिलेगा कि कलर ब्लाइंड एक मेल जो है वो कलर ब्लाइंड मिला जो कि कैसा है, डिजीज्ड है, और हमें बाकी का एक जो मेल था वो कैसा मिला, नॉर्मल मिला, एक फीमेल भी नॉर्मल मिली और एक फीमेल कैसी मिली, कैरियर मिली। देखिए यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है वो इनहेरिट कैसे हुए 25-25% और यहाँ पे कैसे हुए, उनका इनहेरिट होना कैसा है 50% हुआ है, तो वो अगेन किसके ऊपर है। यहाँ पे देखिए हमने ये भी देख लिया कि यहाँ पे भी एक ही एक्स था जो कलर ब्लाइंड था और बाकी तो यहाँ पे भी कंडीशन सेम है दोनों तरफ, बट आगे जाके जब क्रॉस किया तब इसके रिजल्ट्स में क्या आया, डिफरेंस आया। बाकी यहाँ तक तो ये सब सेम है बट क्रॉस के बाद जो डिफरेंस दिखा है, इसलिए क्रॉस के बाद डिफरेंस दिखा मतलब ही क्या, क्रॉस के बाद ही तो कैरेक्टर्स को इनहेरिट होना है नेक्स्ट जनरेशन में, इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन में जब कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं कि जो उनके पेरेंट्स हैं उनके जीनोटाइप क्या है, और वो जीनोटाइप आगे आपको इनहेरिटेंस का जो भी रिजल्ट है उसमें डिफरेंस दिखाएंगे। अब यहाँ पे आपको दिखा 50% इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर और यहाँ पे दिखा 25% इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर। आ गई ये बात आप लोगों को समझ में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगेन आप लोग सॉल्व करके देखिए आपको समझ में आ जाएगा ये। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब ये वाला एग्जांपल है हीमोफीलिया का। अब देखिए अगेन यहाँ पे ये वाला भी कैसा है, हीमोफीलिया भी एग्जांपल किसके अंडर आता था, एक्स लिंक्ड के अंडर आता था, इसलिए यहाँ पे अगेन हीमोफीलिया के जो जीन है वो भी कहाँ पे प्रेजेंट है, वो भी है एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। और अगर ये वाला जो एक्स है ये एक्स एच और एक्स एच में हुआ तो क्या वो इनहेरिट होगा या फिर क्या वो डिजीज्ड होगा, नहीं, तो ये वाली कंडीशन कैसे बोलेंगे हम, कैरियर बोलेंगे, ओके। और अगर हमें दिखा कि एक्स एच, दूसरी कंडीशन क्या है, एक्स एच कैपिटल एच और वाई दिखा तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। और अगर हमें क्या दिखा, एक्स और स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच और वाई, इसे हम बोलेंगे डिजीज्ड। देखिए हर एक इसमें, हर एक कंडीशन में
उसके रिजल्ट में डिफर आएगा. एक आएगा कैरियर, एक आएगा नॉर्मल और एक आएगा डिजीज्ड. बट यहाँ पे आप देखिए एक्स लिंक्ड में आपको यहाँ पे जो इफेक्ट हो रहा है वो किसके ऊपर होता हुआ नजर आएगा, वो आपको दिखेगा मेल्स के. मेल्स आर अफेक्टेड मोर, मेल्स आर अफेक्टेड मोर एज कंपेयर टू फीमेल्स. इसलिए यहाँ पे आपको जो डिजीज है वो ज़्यादा करके आपको मेल्स में नज़र आएगा, कलर ब्लाइंडनेस. अब देखिए यहाँ पे इसे भी अगेन देखते हैं. यहाँ पे हमें अगेन जीनोटाइप क्या मिला, एक्स एच वाई, स्मॉल एच मीन्स वो है हीमोफिलिक. अब यहाँ पे नॉर्मल फीमेल है, हीमोफिलिक मेल, मतलब कैसा है, मेल है जो डिजीज्ड है और यहाँ पे जो फीमेल है वो कैसी है, नॉर्मल है. इसके पहले वाले कंडीशन में देखिए हमने क्या किया था, मेल को ही लिया था डिजीज्ड, क्योंकि दोनों कंडीशन में हमने क्या देखा है, मेल को ही वो डिजीज है. क्यों, क्योंकि वो जो भी जीन है, जो भी डिजीज जीन है वो प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर और वो इसलिए अफेक्टिंग मेल्स मोर. अब देखिए नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल फीमेल में हमने देखा हीमोफिलिक जीन है नहीं वहाँ पे, या फिर वो एक्सप्रेस नहीं होने वाली है. तो सेम रिजल्ट अगेन यहाँ पे भी हमें कैसे मिला, एक मिला डिजीज्ड वाला एक्स और बाकी दोनों मिले नॉर्मल, और वाई तो हमें पता है नॉर्मल ही है, वहाँ पे कोई जीन है ही नहीं हीमोफीलिया के लिए. तो अगेन यहाँ पे भी आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे, 50% आपको कैरियर्स मिलेंगे और 50% जो सन है या फिर मेल है वो कैसे मिलेंगे, आपको नॉर्मल मिलेंगे. सेम रिजल्ट है जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है, वैसा ही रिजल्ट आपको हीमोफीलिया में भी दिखेगा. अब अगेन सेम चीज यहाँ पे करनी है. इसके रिजल्ट में हमें क्या मिला, कैरियर डॉटर्स मिली. अब इसी कैरियर डॉटर को लेना है और उसे क्रॉस करना है नॉर्मल मेल के साथ. यहाँ पे हमने मेल डिजीज लिया था, अब हमने अगर नॉर्मल मेल लिया तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको अगर मेल नॉर्मल है तो एक्स क्रोमोसोम जो मेल के पास है वहाँ पे क्या नहीं है प्रेजेंट, डिजीज वाला जीन ही प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो नॉर्मल है. इसलिए आगे जाके जो रिजल्ट है उसमें डिफरेंसेस नज़र आएंगे. देखिए यहाँ पे एक्स एच सबसे पहले अगेन वैसा ही करना है, हमें क्या करना है, जो फीमेल गैमेट है एक फीमेल गैमेट लेना है, उसे दोनों मेल गैमेट के साथ क्या करना है, क्रॉस करना है. देखिए दोनों मेल गैमेट के साथ क्रॉस किया, क्या आया यहाँ पे, फर्स्ट वाला क्रॉस में एक्स एच और ये वाला एक्स एच, फिर दूसरे में अगेन ये वाला एक्स एच और ये वाला वाई. इसलिए यहाँ पे क्या मिला, एक्स एच मतलब नॉर्मल फीमेल मिली और यहाँ पे एक्स एच और वाई मतलब हमें नॉर्मल मेल मिला. अब देखिए सेकंड कंडीशन में एक्स और डिजीज्ड वाला एच है यहाँ पे, मतलब ये एक्स है उसके ऊपर क्या है, इट इज हैविंग अ जीन फॉर हीमोफीलिया, डिजीज जीन है वहाँ पे. इसे अब क्रॉस करना है एक बार एक गैमेट के साथ, दूसरे बार दूसरे गैमेट के साथ. अब देखिए पहले का रिजल्ट क्या है, एक यहाँ पे आएगी एक्स एच, कैपिटल एच मतलब क्या है, नॉर्मल एच, और यहाँ पे एक्स स्मॉल एच मतलब है डिजीज्ड वाला एच. अब अगर ये दोनों एक्स एच कंडीशन में है तो हमें कैसे मिलने वाला है, कैरियर, क्योंकि यहाँ पे ये जो भी डिजीज्ड वाला जीन है वो एक्सप्रेस नहीं होगा अगर उसके साथ दूसरा नॉर्मल एच प्रेजेंट होगा तो, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, कैरियर फीमेल. अब लास्ट वाली कंडीशन में देखिए क्या होगा, लास्ट वाली कंडीशन में अगेन क्या है, जो डिजीज जीन है वो प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर और उस वजह से यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, जो डिजीज जीन एच है वो आपको प्रेजेंट दिखेगा एक्स के ऊपर, उस वजह से क्या दिखेगा, जो मेल है वो कलर ब्लाइंड है, क्योंकि ये वाला एक्स एच है रिसेसिव फॉर्म में है, उसे डोमिनेट करने के लिए वाई के ऊपर तो कोई जीन नहीं है हीमोफीलिया के लिए, क्योंकि हीमोफीलिया के लिए जो भी जीन है वो प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही, इसलिए यहाँ पे इसे वो डोमिनेट करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए वो एक्सप्रेस हो जाएगा और जो मेल्स है वो कलर ब्लाइंड दिखेंगे. बट यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि परसेंटेज वाइज 25% आपको नॉर्मल फीमेल्स दिखेंगे और 25% नॉर्मल मेल्स भी दिखेंगे और साथ ही में 25% कैरियर फीमेल्स दिखेंगे आपको और 25% कलर ब्लाइंड मेल्स दिखेंगे. ओके,
अब यहाँ पे हमने कौन सा एग्जाम्पल दिखा, कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंडनेस का भी देखा और हीमोफीलिया का भी देखा, और ये दोनों भी किसके अंडर जा रहे थे, ये जा रहे थे एक्स लिंक्ड के अंडर। ओके, अब वाई लिंक्ड के अंडर आपको क्या दिखेगा, हाइपर ट्राइकोसिस दिखेगा। हाइपर ट्राइकोसिस के एग्जाम्पल में आपको क्या दिखेगा, ग्रोथ ऑफ एक्सेसिव हेयर ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब यहाँ पे जो हेयर ग्रोथ के लिए जो जीन्स है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ के लिए वो प्रेजेंट होते हैं वाई क्रोमोसोम के ऊपर, जो कि वाई क्रोमोसोम हमें कहाँ पे मिलेंगे, मेल्स में ही दिखेंगे, इसलिए इन पे हमें क्या दिखेगा, हाइपर ट्राइकोसिस जो है वो हमें मेल्स में ही दिखेगा, क्योंकि ये कैसे है, वाई लिंक्ड है, ये वाला कैरेक्टर कैसा है, वाई लिंक्ड है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर ही उसके जीन्स है, इसलिए ये वाला कैरेक्टर हमें दिखेगा। और लास्ट वाला है इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। अब इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज का एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब हमने क्या कंप्लीट किया आज के लेक्चर में, सेक्स लिंकेज जो है, और उसमें हमने क्या देखा, सेक्स लिंकेज में एक्स लिंकेज एक होता है और एक वाई लिंक्ड होता है। अब उसमें से हमने एक्स लिंक्ड के एग्जाम्पल्स को आज स्टडी किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे एक्स वाई लिंक्ड का एग्जाम्पल। ओके, तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हैव अ नाइस डे, बाय।